हेलो भाई, आज हमारे सामने खड़ी है SPK 125। तो मुझे 5-6 भाइयों का कमेंट आ रहा था कि इसका ब्रेकिंग कैसा है, तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपको ब्रेकिंग में आपको CBS मिल जाता है। आगे आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं इस ब्रेक को आप अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी ब्रेक अप्लाई हो जा रहा है, तो इसके CBS आ जाता है। तो CBS की मैं एक प्रॉब्लम की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम लगता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ये वाला, तो जब ये ब्रेक आप अप्लाई करते हैं तो ये आगे वाला ब्रेक भी अप्लाई होता है। आगे वाला ब्रेक अप्लाई होने से तो ये प्रॉब्लम आती है जो शॉकर होता है, तो शॉकर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। शॉकर बार बार अप डाउन होता है, इससे शॉकर बहुत जल्दी हर सर्विस में मतलब चेंज कराना पड़ता है इसका ऑयल वेल, तो इससे बहुत ज़्यादा इशू आता है। और बात करें इसके ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये BS6 वाला वेरियंट है जिसमें टायर काफ़ी पतला मिल जाता है आपको, तो से मतलब ये स्लिप कर जाता है, लेकिन अब से जो SP125 आ रही है उसमें स्लिप नहीं करता, काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मोटा टायर मिल जाता है, इसमें तो पतला है। और इसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है, आराम से गाड़ी रुक जाती है, तो आपको ब्रेकिंग के लिए कोई इशू नहीं होगा। बस यही शॉकर वाला थोड़ा सा दिक्कत देता है, ये पूरा ब्रेक लेते ही अंदर चला जाता है ना, तो इसका ये जो ऑयल होता है इसमें बार बार आपको हर सर्विस में सही कराना पड़ेगा, उसका 200 रुपये खर्चा आता रहता है, तो इसमें थोड़ा सा ये वाला दिक्कत है। बाकी कोई ऐसा ब्रेकिंग में मेजर इशू नहीं है, बाकी आराम से गाड़ी ये आराम से बिल्कुल रुक जाती है। ये थोड़ा सा टायर मेरा है ना तो स्लिप कर जाता, तो अब तो सही हो गया है। तो ऐसा कुछ इसका मिलता है ब्रेकिंग। आपको ये कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।